आप देख रहे हैं देश के नंबर वन न्यूज चैनल का नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ। रात के अंधेरे में इजराइल ने हमास के अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने हमास के एक सीनियर कमांडर नसीम अबू अजीना को मार डाला। इसी बीच हमास के खिलाफ इजराइल के बारूदी एक्शन के पीछे अमेरिका के एक जनरल का नाम भी सामने आया। इजराइल के हमले में हमास का एंटी टैंक मिसाइल ठिकाना तबाह। इजराइल की एयर स्ट्राइक में हमास के रॉकेट लॉन्च पोस्ट नेस्तोनाबू। इजराइल ने हवाई हमला कर हमास का मिलिट्री कंपाउंड उड़ा डाला। गाजा पर बम बरसाकर इजराइल ने हमास की कई खुफिया सुरंगों को तोड़ डाला। दावा किया जा रहा है कि गाजा पर हर मिनट एक हमला कर रहा है इजराइल। 60 सेकंड पूरा होते होते हमास के ठिकाने पर बम बरस पड़ते हैं। एक मिनट के पूरा होते ही इजराइल का दूसरा हमला हो जाता है। दावे के मुताबिक यह हमला रात में अधिक होता है। गाजा में रात का एक एक मिनट नए धमाके के साथ गुजरता है। इजराइल की सेना का दावा है कि सोमवार रात हमास के 300 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजराइल के इस एयर स्ट्राइक का असल मकसद हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह करना रहा। हमास के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमास इजराइल युद्ध में जो कुछ हो रहा है उसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। हमास का दावा है कि वो चाहे इजराइल का हवाई हमला हो, हमास के खिलाफ इजराइल का ग्राउंड अटैक का प्लान हो, हमास के ठिकानों पर इजराइल का सर्जिकल स्ट्राइक हो, इन सब में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира. Кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех. Заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту. Сона апне, Путин Газа юдд ке лие сиде-сиде Америка пар унгли ута рахе хэн. पुतिन ने आरोप लगाया है कि इजराइल हमास जंग में पर्दे के पीछे से अमेरिका कहां थे। रूस और यूक्रेन युद्ध में भी पर्दे के पीछे से सबसे बड़ा रोल अमेरिका कर रहा है। चीन और ताइवान के बीच जो तनाव बढ़ा हुआ है उसमें भी पर्दे के पीछे से अमेरिका की बड़ी भूमिका रही है। за трагедию палестинцев, из-за бойни на Ближнем Востоке в целом, за конфликтом на Украине, за многими другими конфликтами в мире, в Афганистане, Ираке, Сирии и так далее, и так далее, стоят правящие элиты США и их сателлиты. Это уже очевидно для всех. В
वहीं ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला हेन ने पुतिन से भी एक कदम और आगे बढ़ते हुए इसराइल में अमेरिका के सैनिकों के होने की पुष्टि की है। ईरान का दावा है कि इसराइल में मौजूद अमेरिका की फोर्स न सिर्फ जंग के प्लानिंग से जुड़ी है बल्कि जंग में भी शामिल है। अमेरिका की ये कौन सी फोर्स है, इसराइल में अमेरिका के कितने जवान है, इसे भी स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमास के कैंप में लेकर चलते हैं जहां अमेरिका के एक्शन का रिएक्शन साफ साफ नजर आ रहा है। हमास के सीनियर मेंबर अली बराके का कहना है कि हमास इसराइल युद्ध के बीच अमेरिका की बड़ी भागीदारी की उम्मीद नहीं थी। अली बराके ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है, 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के बाद अमेरिका से इतनी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। इसराइल की प्रतिक्रिया की उम्मीद जरूर थी लेकिन अब हम जो देख रहे हैं वो लड़ाई में अमेरिका का प्रवेश है और हमने इसकी उम्मीद नहीं की थी। दावे के मुताबिक इसराइल का प्लान है कि हमास पर इतना बड़ा हमला हो जो हमास को जड़ से खत्म कर दे। सेना के सीनियर ऑफिसर को हमास का सब कुछ खत्म करने का टारगेट दिया गया है। दावे के मुताबिक इसराइल के गाजा पर जमीनी हमले का टारगेट हमास और इस्लामिक जिहाद के नेटवर्क को तोड़ना है, उनके ठिकानों को तबाह करना है, उनकी ताकत को मिट्टी में मिलाना है। दशकों की तनातनी के बाद गाजा एक बार फिर युद्ध का मैदान बना हुआ है। 2023 में गाजा एक बार फिर तबाही की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ इसराइल की ताकतवर सेना है तो दूसरी ओर हमास की सुरंग सेना। इसराइल के साथ अमेरिका है तो हमास के पीछे ईरान। लेकिन दावा तो यह है कि अमेरिका की मदद से इसराइल ने गाजा विलय का प्लान तैयार कर लिया है। इस ऑपरेशन को इसराइल की सेना 5 स्टेप में बहुत ही क्रूरता के साथ अंजाम दे सकती है। पहले चरण में बॉर्डर पर खड़ी इसराइल की लाखों की सेना उत्तरी गाजा पर धावा बोलेगी और उसे सीज कर देगी। दूसरे चरण में इसराइल की सेना हमास की टॉप लीडरशिप और उसके आतंकियों को गाजा से बाहर निकालेगी। तीसरे स्टेप में इसराइल की सेना हमास के गढ़ में अपना मजबूत बेस बनाएगी। चौथे चरण में इसराइल की सेना हमास को खत्म करने के लिए पिन पॉइंट यानी सटीक हमले करेगी और पांचवां चरण अगले 5 साल तक चलता रहेगा। इस स्टेप में इसराइल की सेना 5 साल के भीतर धीरे धीरे गाजा से अपनी सेनाएं हटाएगी। रही बात इसराइल को अमेरिका की तरफ से मिल रही मदद की तो इसकी शुरुआत युद्ध छेड़ने के फौरन बाद से ही हो गई थी। युद्ध शुरू होने के ठीक एक दिन बाद 8 अक्टूबर को अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने ऐलान किया कि अमेरिका एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को इसराइल के करीब ले जाएगा जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत USS जेराल्ड आर फोर्ड शामिल होगा। लेकिन एक्शन इससे भी बड़ा हुआ। अमेरिका ने अपने 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को इसराइल के पास भूमध्य सागर में भेज दिया। इनके नाम है USS जेराल्ड आर फोर्ड और USS आइजनहावर। USS जेराल्ड आर फोर्ड के साथ 12 स्ट्राइक ग्रुप होता है, वहीं USS आइजनहावर के साथ 2 स्ट्राइक ग्रुप होता है जो हमला करने में मास्टर होते हैं। इनके साथ मिसाइलों से लैस और भी कई घातक युद्धपोत भूमध्य सागर में इसराइल के पास पहुंचे हैं। इसके साथ मिसाइलों से लैस जहाजों का पूरा बेड़ा चलता है।